हेलो एवरीवन, आज हम कंप्यूटर ग्राफिक्स में चैप्टर नंबर 4 विंडोइंग एंड क्लिपिंग देखने वाले हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस प्रेजेंटेशन में लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम देखा था। ओके, तो लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम में कोहेन शदरलैंड क्लिपिंग एल्गोरिदम के ऊपर आज हम देखेंगे, एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें ये फार्मूला लगने वाले हैं। सो फर्स्ट वन इज अ स्लोप का फार्मूला, दैट इज़ m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। उसके बाद हम वैल्यू निकालने वाले हैं x लेफ्ट, उसके बाद xr, y टॉप एंड y बॉटम। ओके, तो x लेफ्ट जो है उसमें हमें y की वैल्यू निकालनी है। सो y इज़ इक्वल टू m x लेफ्ट माइनस x1 प्लस y1। xr में हम लोगों को y की वैल्यू निकालनी है, दैट इज़ y इज़ इक्वल टू m x राइट माइनस x1 प्लस y1। एंड टॉप में yt, दैट इज़ टॉप, x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, वहाँ पे होगा 1 by m yt माइनस y1 प्लस x1। एंड बॉटम, दैट इज़ yb, उसमें हम x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू 1 by m yb माइनस y1 प्लस x1। ओके, तो ये फार्मूलाज हमें लगने वाले हैं। उसके बाद जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं विंडो की, तो कोहेन शदरलैंड का रूल है कि जो भी आपका स्पेस है वो पर्टिकुलर रीजन में डिवाइड हो जाता है, 9 रीजन में डिवाइड हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये आपकी विंडो है। ओके, एंड बाकी 9 रीजन में हमने विंडो क्या कर दी है, स्पेस क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। ओके, तो फर्स्ट वन इज़ योर टॉप। ओके, ये आएगा आपका बॉटम। ओके, और यू कैन से यहाँ पे आपका लेफ्ट टॉप, लेफ्ट बॉटम, राइट टॉप, राइट बॉटम, ये आपकी विंडो। ओके, ऐसे यहाँ पे रीजन कोड, यूनिक रीजन कोड दिए हुए हैं। तो जहाँ पे हमारी पर्टिकुलर लाइन इंटरसेक्ट हो जाएगी, तो वहीं पे हम जो रीजन कोड है उनका एंड ऑपरेशन करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वन प्रॉब्लम। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, यूज अ कोहेन शदरलैंड आउटकोड एल्गोरिदम टू क्लिप अ लाइन P1 40, 15, P2 75, 45 अगेंस्ट अ विंडो A इज 50, 10, B इज 80, 10, C इज 80, 40 एंड D इज 50, 40। सो देखो, यहाँ पे मैंने जो ग्राफ है वो ड्रॉ किया है, विंडो जो दी है वो ड्रॉ की है। फॉर एग्जांपल, A की वैल्यू दी है 50 and 10, तो ये पॉइंट आएगा। देन B की वैल्यू इज़ 80 and 10, तो ये पॉइंट आएगा। C की वैल्यू इज़ 80, 40, तो ये पॉइंट आएगा। एंड D की वैल्यू इज़ 50, 40, तो ये कॉमा आएगा, राइट? अभी हम लोगों को जो P1 एंड P2 दिया है, सो P1 इज़ 40, 15, तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर आता है 40 और ये 15, यहाँ पे पॉइंट आता है। एंड P2 इज 75 समवेयर हियर एंड अ 45, तो ये P2 पॉइंट आता है। तो अगर हमें लाइन देखे, तो लाइन क्या हो रही है यहाँ पे, पार्शियली विजिबल है। ओके, तो जब भी लाइन पार्शियल विजिबल होती है, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें ये जो लाइन है, ओके, ये लाइन जो है उनके हमें रीजन फाइंड आउट करने पड़ेंगे। एंड पहले ये फाइंड आउट करेंगे कि लाइन पार्शियली है या नहीं। यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है, लेकिन हमें उसे क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। तो ये रीजन और ये जो पर्टिकुलर रीजन है, वहाँ पे हम एंड ऑपरेशन करेंगे और दिखाएंगे कि लाइन पार्शियली विजिबल है या नहीं है। आफ्टर दैट
हमें यहाँ पे इंटरसेक्ट फाइंड आउट करने हैं, राइट। सो हमारा ये होगा P1 डैश एंड ये होगा P2 डैश। तो जब भी हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ओके, तो हमें P1 डैश के पॉइंट मिलेंगे एंड P2 डैश के पॉइंट मिलेंगे। तो ये लाइन क्या हो जाएगी हम लोगों की आफ्टर द कैलकुलेशंस ऑफ फॉर्मूला, ओके, हमें इतनी ही लाइन मिलेगी। और ये जो लाइन है वो क्या हो जाएगी, क्लिप हो जाएगी, कट हो जाएगी, ओके। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ओके। सो P1 इज 0.15 मीन्स X1 इज इक्वल टू 40 एंड Y1 इज 15, वेर एज P2 75.45। सो P2 इज 75, सॉरी X2 इज 75 एंड Y2 इज 45। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, इसलिए हमने X एंड Y में P1 एंड P2 को लिख दिया। उसके बाद हमें फाइंड आउट क्या करने हैं, तो X लेफ्ट, X राइट, Y टॉप एंड Y बॉटम, ओके। हमें X एंड Y की वैल्यूज़ निकालनी है, तो इसके लिए हमने ये वैल्यूज़ क्या किए हैं, लिखे हुए, ओके। तो सबसे पहले निकालते हैं कि ये P1 और P2 जो है वो कौन से रीजन में आती है। तो अगर आपने देखा, P1 जो है उसका जो पर्टिकुलर रीजन है वो है 0001, ओके, एंड P2 का रीजन है दैट इज़ अ टॉप, ओके, यहाँ पे टॉप, उसका रीजन कोड क्या है, 1001, ओके। ये रीजन कोड जो है 9 आपको याद रखने पड़ेंगे, उससे हम लोग क्या करेंगे, एंड ऑपरेशन करेंगे, तो हमें आंसर क्या मिलने वाला है, 0000 1000 0000 0001 is 0। तो ये आपकी लाइन क्या है, पार्शली विजिबल है। तो उसमें हमें क्या अभी करना है, इंटरसेक्ट करके फॉर्मूला लिख के कैलकुलेशन करके पर्टिकुलर लाइन क्या करनी है, क्लिप करनी है, ओके। तो यहाँ पे देखो, ये पहले हम स्लोप निकालते हैं, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है, Y2 - Y1 डिवाइडेड बाय X2, X1, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू पुट अप की, ओके, यहाँ पे देखो वैल्यू लिखी हुई है, तो वैल्यू X2 के लिए 45, Y2 के लिए 45, Y1 के लिए 15, X2 के लिए 75 एंड X1 के लिए 40, ओके। तो हमें आंसर क्या मिल जाता है, 6/7। अगर आप इसके ऊपर और भी कैलकुलेट करना चाहते हो तो आंसर क्या आएगा, 0.857, ओके, ओके। तो फॉर्मूलाज लिख के X1, Y1, X2 एंड Y2, ओके, उसके वैल्यू जो है वो हम लोग फॉर्मूला बाय यूजिंग फार्मूला फाइंड आउट करेंगे, ओके। तो चलो, पहला फॉर्मूला है लेफ्ट साइड के लिए XL, ओके। XL की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, 50 दी है, ओके। सो फॉर्मूला इज Y इज इक्वल टू M ब्रैकेट में X left - X1 + Y1, ओके। तो वैल्यू पुट अप की, क्योंकि हमारा स्लोप कितना आया, 6/7, ओके। XL 50 - X1 = 40 + Y1 = 15। तो कैलकुलेशन का आंसर किया तो आंसर क्या आता है, 23.57। उसके बाद राइट, दैट इज़ XR कितना है, 80। सो Y इज इक्वल टू M XR - X1 + Y1, ओके। फॉर्मूला लिख दिया, वैल्यू पुट अप करो, स्लोप की वैल्यू क्या है M की, 6/7, XR = 50, X1 = 40 एंड Y1 = 50। तो आंसर कैलकुलेट करने के बाद क्या आता है, 69.60। उसके बाद टॉप, दैट इज़ YT, ओके, क्या आता है, 40। सो यहाँ पे X एंड की वैल्यू हम निकालेंगे, तो X इज़ इक्वल टू 1/M XT मीन्स टॉप माइनस Y1 + X1। तो यहाँ पे हमें उल्टा लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1/M है, तो 7/6, 40 for YT - Y1 = 15 + 40, ओके।
तो कैलकुलेशन करने के बाद आंसर क्या आएगा, 49.28। एंड फॉर द बॉटम, ओके बॉटम के लिए क्या लिखेंगे, YB इज इक्वल टू 10, ओके एंड X इज इक्वल टू 1 बाय M YB माइनस Y1 प्लस X1। सो वैल्यू पुट अप की 7/6, 10 माइनस 15 प्लस 40, सो आंसर क्या आया, 34.16। ओके तो ये वैल्यू मिलने के बाद हमें X एंड Y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, देनी है। तो हमने पहले ही देखा था, विंडो निकाली थी, तो P1 डैश तो था और P2 डैश था, ओके उनके पॉइंट हमें X1 और Y1 पे क्या होते हैं, मिल जाते हैं, दैट इज़ 23.57 एंड 69.16। तो ये पॉइंट हमने लिखे हैं और बाकी की लाइन क्या की है, क्लिप की है, ओके तो ऐसे ही प्रॉब्लम जो है हमें कोहेन शदरलैंड के क्या करने हैं, परफॉर्म करने हैं। ओके थैंक यू।